गुड मॉर्निंग टू ऑल। ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि कल 15 तारीख को मैं पढ़ा रही थी, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के पहले किन किन चीज़ों का प्रिपरेशन किया जाता है, यह हमारे यूनिट में जिक्र है और बताया गया है कि टीचिंग एज ए प्रोफेशन में शिक्षक बनने के लिए किन किन चीज़ों की तैयारी करनी होती है। तो कल हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट का जिक्र किया था, जिसमें था ट्रेनिंग, क्वालिफिकेशन, हेल्दी इन्वायरमेंट, फिजिकल एंड मेंटल हेल्दी, और था इनोवेशन। आज नेक्स्ट और रेस्ट पॉइंट है, बोर्ड पर देखेंगे ध्यान से, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का हिंदी होता है जिज्ञासु होना चाहिए। किसको? एक शिक्षक को। एक शिक्षक जो बनने जा रहे हैं उनको जिज्ञासु होना चाहिए, उनको इस चीज़ का हमेशा जिज्ञासा रहना चाहिए कि समाज में क्या घटित हो रहा है, देश में क्या घटित हो रहा है, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर क्या घटित हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है करेंट अफेयर की जानकारी होनी चाहिए। करेंट अफेयर मतलब समसामयिक घटनाओं की जानकारी होनी चाहिए। समसामयिक घटनाओं की जानकारी होनी चाहिए, घटनाओं की जानकारी होनी चाहिए, समसामयिक घटनाओं की जानकारी होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? आज समाज में क्या हो रहा है, अभी सबसे बर्निंग पॉइंट है कि कोरोना वायरस का कितना फैलाव हो रहा है, कहाँ किस डाटा से कितने लोग गुजर रहे हैं, कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं, कितने लोग ठीक हो रहे हैं, इन सारे चीज़ों से रूबरू होना चाहिए। इसी तरह बार बार समाज में कुछ ना कुछ समसामयिक घटनाओं होती है जो एक शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी है जानना। जब शिक्षक जानेंगे तभी अपने बच्चों को बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पढ़ने की आदत होनी चाहिए। टू हैबिट इन स्टडी पढ़ने की आदत होनी चाहिए। प्रशिक्षक को हमेशा पढ़ने की आदत होनी चाहिए। जब शिक्षक कुछ पढ़ेंगे तभी वो बच्चों को अच्छा से पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मोरालिटी। शिक्षक में नैतिकता होनी चाहिए। शिक्षक जब खुद नैतिकता होनी चाहिए। शिक्षक जब खुद नैतिकता से परिपूर्ण रहेंगे तो अपने बच्चों को भी नैतिकता से पूर्ण करेंगे। तो शिक्षक को हमेशा नैतिकता का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हार्ड लेबर होना चाहिए, कठिन परिश्रमी होनी चाहिए। शिक्षक को हमेशा कठिन परिश्रमी होना चाहिए। शिक्षक को परिश्रम से नहीं भागना चाहिए, हमेशा कठिन परिश्रमी होने चाहिए। शिक्षक को एनालाइज करने का मतलब शिक्षक को किसी चीज़ को एनालाइज करके देखने का, उनको एनालाइज करके देखने का हैबिट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एडजस्टमेंट। शिक्षक को एडजस्टमेंट का गुण होना चाहिए। एडजस्टमेंट का हिंदी होता है सहयोगात्मक। कैसे वो एडजस्ट कर सकता है, इसका गुण होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक को किसी चीज़ पर फोकस करना चाहिए। फोकस का गुण होना चाहिए मतलब केंद्रित होना चाहिए। मान लीजिए किसी विद्यार्थियों से संबंधित समस्याओं पर केंद्रित होना चाहिए। शिक्षक को हमेशा विद्यार्थियों की समस्याओं पर फोकस करना चाहिए। विद्यार्थी क्यों नहीं आते हैं, क्या कारण है, उनके घर का फैमिली प्रॉब्लम है, आर्थिक प्रॉब्लम है, सामाजिक प्रॉब्लम है, इन सारी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। विद्यार्थी क्यों कमज़ोर हैं, क्यों नहीं क्लास में उपस्थित होते हैं, इन सारी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। इसलिए एक शिक्षक अगर इतने सारे गुणों को अपने आप में समाहित करे तो जाहिर बात है एक अच्छे शिक्षक बनेंगे और बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट करेंगे। धन्यवाद।